हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रिपरेशन। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज़ की कटिंग करना, शादी ब्लाउज़ की। तो ये मैंने 2 रुपया जो कपड़ा होता है फैब्रिक वो मैंने लिया, और मैं यहाँ पर 2 फैब्रिक एक साथ रख के कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने दोनों का साइज़ मेरा एक ही है। तो आप दोनों एक साथ कट ना करें, आप एक एक करके कट करें, लेकिन ये मेथड एक ही है, एक ही तरीके से कट करना, इसलिए मैं यहाँ पर दो फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारी 4 फोल्ड है, यानी कि 2 फोल्ड आप लेके चलिए, आप 2 फोल्ड का मैं हिसाब बताऊँगी आपको। तो इस तरीके से हम पहले ब्लाउज़ का मेज़र ले लेते हैं, नाप लेते हैं। तो ये देखिए कटिंग पे हमारी है 7.5, तो हमें 10.5 सॉरी 10.5 पे हमें रखना, क्योंकि हमारी कटिंग ये 10.5 थी, और फिटिंग के बाद हम जो फिटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग मेज़र कर लेंगे। तो हमारे 10.5 पे इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे, ये हमारी चौड़ाई है। तो अब चलिए इसे एक बराबर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तो ये हमारा बराबर हो गया इस तरीके से। अब हम लेंथ ले लेंगे अपने ब्लाउज़ के, तो ब्लाउज का जो भी आपका नाप हो उस हिसाब से लेंथ ले लें। तो यहाँ मेरा हमारा 13 इंच है लेंथ, तो ये देखिए। और हम यहाँ पर तो रखेंगे 14.5 इंच, क्योंकि मेरा इंच 1 इंच ऊपर और नीचे हाफ हाफ इंच चला जाएगा फोल्डिंग में, थोड़ा सा जो कपड़ा बचेगा वो हमारी फोल्डिंग में जाएगा। तो अगर छोटा होगा तो हम फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ लेंगे अलग से, वो जो कि हम बाद में जोड़ेंगे अगर छोटा हुआ तो। तो यहाँ हम कंधा रखेंगे 5.5 इंच, ये देखिए 5.25 इंच, 5.5 इंच अप्रॉक्स हमें रखना है कंधा इसका शादी ब्लाउज़ का, जितना आपका शोल्डर है उस हिसाब से, क्योंकि हम ये स्लीवलेस बनाएंगे तो हम यहाँ पर कंधा थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। और ये देखिए हमारा जो गला है वो हमारा 2.5 इंच है, इस तरीके से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ अमोल रखेंगे, तो अमोल हम उधर पर 5.25 रखे थे, तो यहाँ पर हम 5.5 अमोल रखेंगे, बस थोड़ा इससे एक्स्ट्रा रखेंगे अमोल। और ध्यान देंगे कि हमें ब्लाउज़ का जो अमोल है वो फ्रंट और बैक दोनों एक इक्वल कट करना है, छोटा बड़ा नहीं कट करना है। उसके बाद हम गला रखेंगे बैक साइड का, तो बैक साइड का गला हमारे 10.5 इंच है, जो कि इसकी गहराई है 10.5 इंच। तो हम इस तरीके से 10.5 इंच हम मार्किंग कर लेंगे। और अगर आपको डायरेक्ट मार्किंग करने नहीं आता तो आप इस तरीके से छोटे छोटे चौक की मदद से इस तरीके से निशान लगा के भी मार्किंग कर सकते हैं, ऐसे में मार्क कर लेना। उसके बाद हमें यहाँ फिर से देख लेना है कि हमारा 2.5 इंच है कि नहीं। तो ये देखिए 2.5 इंच टोटल हमारा है, तो इससे भी हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अमोल की ओर, तो अमोल का जो डिज़ाइन है मतलब जो राउंड है उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम राउंड ड्रॉ करेंगे, तो ये जो अमोल है वो हमारा हमेशा मैक्सिमम 1 या 1.5 इंच रहता है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप इंची टेप की मदद से इसे मेज़र भी करके निशान लगा सकते हैं, नहीं तो आप फ्री हैंड लगा सकते हैं। उसके बाद हम गला ड्रॉ कर लेंगे, तो गला हमारा कोई डिज़ाइन नहीं है, सिंपल गोल गला है। तो हम इस तरीके से गोल गला थोड़ा सा बाहर लेते हुए अंदर की ओर लेके आएंगे, क्योंकि हमारा चढ़े ना ब्लाउज इस दूसरे पे, इसलिए हम बाहर की ओर लेके आएंगे। तो अब चलिए हम इसे कट कर लेते हैं फटाक से। तो यहाँ हमारा बैक साइड का पैटर्न कट हो चुका है, तो बैक साइड की मदद से ये फ्रंट साइड अपना कट करेंगे। तो इस तरीके से हमें फ्रंट साइड का भी पैटर्न रखना है, और उसके ऊपर बैक साइड रखेंगे कुछ इस तरीके से। अमोल हमारा जस्ट जिस साइड से हम कट कर रहे उस साइड रहेगा, और जो हमारा नेक है वो जस्ट अपोजिट रहेगा। इस बात का ध्यान दें, वरना कपड़ा हमारा छोटा हो जाता है अगर हम इस तरीके से नहीं रखेंगे। तो ऐसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है, उसके बाद हम इसे कटिंग करना है। उस इस तरीके से कट कर लेंगे, और देन उसके बाद हम गला बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं अमोल, सबसे पहले हम कट कर रहे हैं यहाँ पर। हम ध्यान दीजिए मैंने यहाँ अमोल कट किया है, उसके बाद इंची टेप की मदद से हम आगे का जो गला है उसे मेज़र कर लेंगे कि हमें आगे गला कितना चाहिए। तो आपको जितना भी चाहिए 5.5, 6.5 जितना भी चाहिए उतना रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच अप्रॉक्स रखा है, इस तरीके से 6.5 इंच पर मार्क कर लेना, और एक अच्छे से बॉक्स बना लेना है जैसे मैंने अभी बैक साइड में बताया है। इस तरीके से बॉक्स बना लेना है, और अगेन हमें इसमें अपना गला ड्रॉ करना है। तो गला हमारा फ्रंट में आपको पता है कि नॉर्मल हमारा जो है ब्लाउज़ में हमारा गला गोल गला ही होता है, तो हम गोल गला इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे हल्का सा अंदर से बाहर की ओर लेते हुए, क्योंकि हमारा ब्लाउज़ चढ़े ना। तो चलिए हमारा ड्रॉ हो चुका, अब हम इसे भी कट कर लेते हैं।
तो हमारा फ्रंट साइड भी कट हो चुका है। अब हम फ्रंट साइड का तीरा बनाएंगे, तो तीरा बनाने के लिए हम मेज़र कर लेंगे कि हमें तीरा कितना रखना है, उस हिसाब से रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 12.5 इंच का तीरा रखा है। हमारा तीरा का जो कपड़ा बहुत कम है, छोटा है, ज़्यादा कपड़ा नहीं बच रहा, तो कोई बात नहीं, हम अलग से जो मेरा फैब्रिक बचेगा हम वहाँ से तीरा कट कर लेंगे। तो पहले हम इस तरीके से एक राउंड शेप देंगे और ऊपर वाला जो डॉट वाले पट्टी है उससे कट करेंगे। तो ये हमारा डॉट वाला हिस्सा है, इसे हम चलिए कट कर लेते हैं। ड्रॉ हो चुका है, तो इसे हमें राउंड में ड्रॉ कट करना है और ड्रॉ भी हमें राउंड में ही करना है। तो इस तरीके से आप ध्यान दें, उसके बाद हम यहाँ कट कर लेंगे। तो ये हमारे बीच से भी ओपन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर बीच से हमारा पैक है, तो इस तरीके से हमें बीच से भी ओपन कर लेना। तो डॉट वाला हिस्सा हमारा कट चुका है, अब हम तीरा कट करेंगे। तीरा कट करने के लिए जो भी हमारा फैब्रिक बचा है उसको हम इस तरीके से दो फोल्ड में फोल्ड करेंगे। अगेंस्ट जो हमारा साइड का तीरा बचा हुआ था थोड़ा सा, उसको हम रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमें शर्ट करना है क्योंकि ये तीरा का सेप आएगा, इस वजह से हम इसको इसका यूज़ कर रहे हैं। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, बस हम इसका सेप के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इसकी जो लेंथ रखनी है वो हमें 6 इंच अप्रॉक्स रखनी है टोटल, या फिर 6.5 इंच भी अप्रॉक्स रख सकते हैं, क्योंकि बड़ा हुआ तो हम अंदर फोल्डिंग में जा सकता है, छोटा नहीं होना चाहिए, आप इस बात का ध्यान दें। तो इस तरीके से हमारा 6 इंच 6.25 इंच अप्रॉक्स था ये। तो अब चलते हैं, इसे भी कट कर लेते हैं, इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं इसे, जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ। एक शेप में कट करना, जैसे तीरा का शेप था उसी शेप में, क्योंकि मुझे ज्वाइंट करना है तो दिक्कत ना हो। अगर शेपिंग ख़राब होगी तो हमारा तीरा अच्छे से जुड़ेगा नहीं और वो ऊपर नीचे भागने लगेगा, तो शेपिंग का भी ध्यान देना है। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। अब हम इसे बीच से भी ओपन कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से हम इसे कट करके बीच से ओपन कर लेंगे। तो हमारा ये पैटर्न कट चुका है, ये देखिए हमने इसको अलग करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये हमारा दोनों का बैक है, फिर ये, और ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट को भी अलग कर लेते हैं, एंड हमारा ये तीरा है। तो अब हमारी ये सारी कटिंग हो चुकी है। मैं यहाँ पर आपको एक ही ब्लाउज स्टिच करके दिखाऊंगी, दूसरा ब्लाउज मैं आपको बाद में स्टिच करके दिखाऊंगी, फिलहाल मैं एक ही ब्लाउज स्टिच करूँगी। तो ये हमारा बैक साइड है, तो बैक साइड में सबसे पहले हम डॉट लगाते हैं। तो डॉट हमेशा हम 5 इंच की दूरी और 4 इंच की लेंथ, उसकी जो लंबाई होती है 4 इंच की होती है, सॉरी। तो इस तरीके से मैं फोल्ड करके और डॉट लगाना है। तो ये देखिए हमारा डॉट है, तो इसे हम 1 इंच अप्रॉक्स इसको पकड़ते हैं, 1 इंच से बस हल्का सा कम, इसे पकड़ के इस तरीके से डॉट लगाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने दोनों साइड में डॉट लगा लिया है, ये देखिए इस साइड भी हम सेम उसी तरीके से पकड़ के डॉट लगाएंगे। तो ये हमारा डॉट लग चुके हैं। नीचे में फोल्ड करना, तो मैं फोल्डिंग के लिए कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने अलग से ये जो तीरा वाला कपड़ा बचा था उसका मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं पहले सेट करके तीरा को अटैच अपने बैक साइड से अटैच कर लेना है, एक स्ट्रेट सिलाई देनी है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी देखिए सिलाई हो चुकी है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसे कट कर लेंगे, एंड उसके बाद हम इस तरीके से ओपन करेंगे और उसके ऊपर से एक चाप चलाएंगे जिससे हमारी अंदर ऊपर वाली सिलाई बैठ जाए, और जब हम फोल्डिंग करें तो ये वाली सिलाई हमारी अंदर की ओर चली जाए और वो बाहर से ना दिखे। अगर बाहर से दिखेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से हम इसको सिलाई स्पेशल चलाते हैं। तो इस तरीके से मैं एक सिलाई स्ट्रेट चला लेनी है, जैसे मैं यहाँ चला रही हूँ, और ध्यान दें कि मैं कपड़े को खींचना बिल्कुल नहीं, और एक बराबर सेट करके मैं सिलाई चलानी इस पर। तो सिलाई ऊपर से हो गई, अब जो हमारे थोड़ा एक्स्ट्रा देखिए वो ऊंचा ऊपर नीचे कपड़ा है, इसे हम एक बराबर कर लेंगे, इस तरीके से सीजर से कट कर लेंगे। एक बराबर कपड़े को कट करिए, ये देखिए इस तरीके से मैं कट करके ऐसे एक बराबर कर लेना है। तो
तो यहाँ हमारा एक बराबर हो चुका। अब हम इसे कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, जहाँ डॉट लगा उसके अंदर की ओर फोल्ड करना, अब ध्यान दें इस बात का। तो इस तरीके से हम अंदर की ओर फोल्ड करके अब इस पर एक सिलाई चला देंगे, जिससे ये पक्का हो जाए। और ध्यान दें कि हमें इस पर 5 इंच की सिलाई देनी है, क्योंकि हमें इसके बाद इस पर तुरपाई करके इसका धागा खोल देना होता है जब ब्लाउज़ हमारा फिनिशिंग हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर 5 इंच की सिलाई देंगे। तो ये हमारा बैक साइड तैयार हो चुका है। अब चलते हैं हम फ्रंट साइड की ओर। तो ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में सबसे पहले हम डॉट का निशान लगाएंगे। तो डॉट का निशान लगाने के लिए इंची टेप का यूज़ करेंगे। इंची टेप रखेंगे इस तरीके से, और उसकी जो दूरी रखेंगे वो हमारे 4 इंच है। ये देखिए, नीचे से हमें 4 इंच रखना है जो कि दूरी है। ये हमारा 4 इंच हो गया इस तरीके से। उसके बाद हम ऊपर से लेंगे जो कि हमारा 2.5 या 3 रहता है। तो यहाँ पे मैं 2.5 रख रही हूँ। अब 2.5 या 3, मतलब 3 जब बड़ा ब्लाउज़ बनता तब 3 रखते हैं, वैसे मैक्सिमम 2.5 रखते हैं। और उसकी जो दूरी रखेंगे वो भी हम 2.5 ही रखेंगे इस तरीके से। ये मैं 2.5 है दूरी इसकी। और उसके बाद हम इसके नीचे से लेंथ लेंगे, तो ये भी हमारा 2.5 रहेगा। ये देखिए, इस तरीके से हम 2.5 रखेंगे यहाँ पर। और इस तरीके से मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें पता चले कि हमें कितना सिलना है उसका। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें 6 या 6.25 रखना है। तो ये देखिए, अब कंफ्यूजन ना हो आपको बता दे रही 6 इंच। और जो इन दोनों के बीच में दूरी होता है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इन दोनों के बीच की दूरी अगर नहीं समझ आ रहा कैसे रखें, तो आप 2 इंच की दूरी लेके रख सकते हैं। उसका जो हमारा लास्ट डॉट होगा वो हमारा 3.5 अप्रॉक्स होगा। 3.5 इंच के अप्रॉक्स हम इस पर भी इस तरीके से डार्क कर लेंगे। और उसके बाद एक अच्छा सा हमको डार्क मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से राउंड दे देना है शेप में, और फिर हमें एक डार्क मार्किंग देनी है इस पर। ये डार्क मार्किंग इसलिए देते क्योंकि हमें दूसरे साइड निशान ना लगाना पड़े, उसे हम ट्रेस कर ले, इस वजह से हमने डार्क मार्किंग दिया है। और फिर इस तरीके से हमें अगेन इसमें ट्रेसिंग कर लेना है। अब देखिए, हम इसमें डॉट लगाएंगे। तो डॉट लगाने के लिए हम 1 इंच के अप्रॉक्स हमें फैब्रिक को पकड़ना होता है इस तरीके से, तिक्खा। और तिक्खा रख के इस पर सिलाई चलानी होती है। और ध्यान दें कि हमें इस पर डबल सिलाई थोड़ा चलानी होती है लास्ट में, क्योंकि हमारा धागा खुले ना इस वजह से। तो हम टाइम पर थोड़ा बचत करने के लिए मैं हर बार आपको बताती हूँ कि हम एक साथ दोनों सिल सकते हैं। अगर आपको एक साथ दोनों सिलने में प्रॉब्लम है तो आप एक एक करके डॉट लगा सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है आप एक साथ दोनों अटैच करें, आप एक एक करके भी डॉट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें डॉट लगाना है। एंड जो नीचे वाला साइड होता है इस साइड का, ये वाला हिस्सा जो हमारा होता है जिधर हमारा हुक लगता है, उस वाले साइड का हम 1/2 इंच अप्रॉक्स पकड़ते हैं और उस फैब्रिक को। उसके बाद इसे एक स्ट्रेट, मतलब जिस तरीके हमारा डॉट मैंने अभी लगाया तिक्का, सेम उसी प्रोसेस में तिक्का इधर भी डॉट लगाते हैं। अब देखिए, जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी प्रोसेस में आपको डॉट लगाना है चारों में, मतलब दोनों के चारों, मतलब 8 डॉट लगेंगे हमारा टोटल, जिसमें से एक पार्ट में 4 डॉट लग रहे हैं।
तो सारे डॉट लग चुके हैं। देखिए हमारा कफ काफ़ी अच्छा बना है। अब हम इसमें तीरा अटैच करेंगे। तो तीरा इस तरीके से हम रखेंगे, जिस साइड हमारा डॉट का जो उल्टा साइड है उस साइड नहीं रखेंगे, हमें सीधा साइड में रखना है प्लेट्स को। और डॉट को रख के इस तरीके से हमें स्टिच करना है एकदम, और ध्यान दें कि हमारे कपड़े को पूरा एडजस्ट करना है, तो इस वजह से हम खींचे नहीं। और जो हमारा डॉट वाला हिस्सा वो हम इस तरीके से फोल्डिंग करके अंदर की ओर डाल देंगे और एक स्ट्रेट सिलाई चलाएंगे जिस शेप में है हमारा ब्लाउज़ की कटोरी कटी हुई है प्लेट्स, उस साइड उस शेप में हम सिलाई चलाएंगे। तो ये हमारी सिलाई होगी। अब इसे हम ओपन करके एक ऊपर से भी सिलाई चला देंगे जिससे इसका धागा बैठ जाएगा और ये देखने में फिनिशिंग इसकी अच्छी आ जाएगी। इस वजह से एक ऊपर से भी चाप चला देते हैं। तो फैब्रिक वैब्रिक कट करने के बाद अगेन मेरा इस तरीके से पैटर्न तैयार होता है। अब हम इसमें 2 इंच की चौड़ाई और जितनी लंबाई है उस हिसाब से पट्टी रख के कट करेंगे और उस पर सिलेंगे, क्योंकि ये हमारा बटन पट्टी और काज पट्टी भी बनाना है। तो ये देखिए ऊपर से मैं रख के सिलाई करनी सबसे पहले इस तरीके से। 2 इंच की चौड़ाई मैंने रखी है, अगर आप चाहो तो 1.5 इंच की भी रख सकते हैं, मैक्सिमम 2 या 1.5 इंच रखते हैं। उसके बाद हम एक इस तरीके से ऊपर से भी चाप चला लेंगे, क्योंकि जब हम ये चाप चलाएंगे तो ये हमारा सिलाई अंदर की ओर चला जाएगा, तो ये ऊपर से देखने में अच्छा लगेगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी इसकी। तो ये देखिए इस तरीके से फिर हमें अंदर की ओर से फोल्ड करके और इसे इस तरीके से, ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इसे आपको इस तरीके से रख के सेट करके इस पर एक सिलाई दे देनी है। तो ये हमारा काज वाले है जिसपे हम आई बनाते हैं ना, सॉरी जिसमें हम लोग हुक बनाते हैं ना, वो हिस्सा है। तो इस पर हम हुक बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए हुक वाला जो हिस्सा होता है वो अंदर की ओर जाता है और जो आई वाला हिस्सा होता है वो हमारा बाहर की ओर रहता है। तो मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये हमारा अंदर से लगेगा और अगेन ये फोल्डिंग होकर ऊपर आएगा, तो इस पर हम आई बनाएंगे अपना। तो इस तरीके से हमें भी सेम उसी प्रोसेस में करना, बस इसमें डिफरेंट चीज़ रहता है कि एक ऊपर से लगता है और जो दूसरा हिस्सा है वो हमारा नीचे से आता है। तो इस तरीके से हमें इसे भी फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। इस पर हम 2 सिलाई चलाएंगे, तो 2 सिलाई कैसे चलाएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कैसे चलाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे हम कट करके इस तरीके से निकाल देंगे दोनों साइड में। और उसके बाद हम अब चलते हैं अपने फोल्ड जो है हमारा फ्रंट और बैक अटैच करते हैं। तो फ्रंट ऐसे रखेंगे बैक के ऊपर इस तरीके से जैसे मैं यहाँ रख रही हूँ, और उसके बाद हम शोल्डर अच्छे से अटैच करेंगे। तो शोल्डर अटैच करने से पहले हम देख लेंगे कि जो हमारा आमोल वो एक बराबर होना चाहिए, उसे देख के फिर हम इसे पक्का करते हुए चलेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इस पर 2 सिलाई देंगे। ये देखिए मैंने एक फ्रंट दिया फर्स्ट और ये हमारा सेकंड सिलाई है, क्योंकि हमें पक्का करना है, ये हमारी फाइनल है। तो इस वजह से हम इसे फ्रंट और मतलब 2 सिलाई और देंगे और सेम इसी प्रोसेस में उस साइड भी और सिलाई अटैच कर लेना। अब ये देखिए मैंने इस तरीके से तीरा पट्टी कट कर लिया है और उसे एक दूसरे से अपोजिट करके मैंने रख के इस तरीके से इसको मैं जोड़ रही हूँ। आपको जितना तीरा पट्टी चाहिए उस अकॉर्डिंग तीरा पट्टी कट कर लीजिए, क्योंकि हमें पाइपिंग भी लगानी है और साथ ही साथ जो आमोल के हिस्से में भी लगानी है। तो ये हमारा आमोल है, तो पहले हम बैक साइड इसका जो है साइड का नहीं जोड़ेंगे, हमें सबसे पहले आमोल का फिनिशिंग देना है क्योंकि हमारी स्लीवलेस ब्लाउज़ है। तो इस तरीके से हम रख के आमोल पे सेट करके इस पर चलाएँगे। अगर आपको स्लीव वाली ब्लाउज़ भी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने स्लीव फुल स्लीव और शॉर्ट स्लीव दोनों की मैंने बताई है, बस मैंने स्लीवलेस नहीं बताया था इसलिए मैंने सोचा स्लीवलेस भी ब्लाउज़ बता दूँ। तो ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउज़ है। अगर आपको स्लीव वाला चाहिए तो आप एक बार मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से देखिए हमें अच्छे से लगाना है जो कि हमारे ये साइड की फिनिशिंग होगी अमूल का। और ध्यान दें कि हमें पट्टी को खींचना नहीं है, बिना खींचे में हल्के हाथों से पकड़ पकड़ के लगाना है। तो इस तरीके से हमें देखिए लास्ट तक लेकर आएंगे और लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ रहा था हम उसे कट करके बाहर की ओर निकाल देंगे।
अगेन हम इस तरीके से पलटी करेंगे। ये देखिए उसके जो हमारा ये बाहर कपड़ा है उसे हम अंदर की ओर फोल्ड करके और फिर इसमें सिलाई चलाएंगे। तो ये देखिए एक सिलाई चलानी है हमें इस तरीके से जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो यहाँ हमारा लास्ट सिरे तक आते हुए हमारी सिलाई हो चुकी है। तो अब देखिए जो हमारा बाहर का एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हम इस तरीके से कट करेंगे और कट करके पूरा लास्ट तक निकाल देंगे। अब संभाल के कट करें, हमारा फैब्रिक नहीं कट होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा उसे ही कट करना है। तो कटिंग हो चुकी है। अब देखिए हम इसे ये हमारा सीधा है और इससे उल्टा है, तो उल्टे के साथ हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके बाद सिलाई चलाएँगे जिससे हमारी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी अमोल में। तो सेम इसी प्रोसेस में दोनों साइड का फिनिशिंग दे देना है। तो मैं आपको यहाँ पर बस एक ही साइड का फिनिशिंग कर देते हुए बता रही हूँ, आप इसी तरीके से दोनों साइड में फिनिशिंग दे दें। हमारी फाइनल फिनिशिंग हो गया अमोल का। अब हम चलते हैं इसको फिटिंग करते हैं साइड से, इसका जो साइड वाले सीम है साइड सीम सिलते हैं। तो पहले हम सीधा करके सिलेंगे, इस तरीके से सीधा रख लेंगे अपने जो ब्लाउज है उसको अच्छे से स्ट्रेट करके सीधा रखेंगे और साइड सिलाई देंगे और ध्यान देंगे कि हमें साइड में सिलाई कोई भी मार्जिन दे के नहीं सिलाई करनी, हम तो हमें एकदम किनारे में सिलाई चलानी है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर सबसे किनारे चलाऊँगी सिलाई क्योंकि हमें इसे पलटी करना है। पलटी करके फिर फाइनल इस पर जो हमारा वो है फिटिंग का नाप उस हिसाब से हम मार्जिन देंगे सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं दिए और सेम इसी प्रोसेस में इधर भी कर लिए और हम चल कर लेंगे। देखिए ये उसे भी हम इसी तरीके से कर लेंगे, ये हिस्सा को भी करना हमें। और इसे ध्यान दें कि अमोल हमारा एक बराबर होना चाहिए, अमोल को चेक करते हुए ध्यान देते हुए हमें साइड का सिलाई करनी है। तो हमारी यह सिलाई हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसकी जो इतना हमारा कमर उतना बराबर हमें फ्रंट का भी रखना है। तो फ्रंट हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिससे हमारा कमर एक बराबर ही हमारा फ्रंट का भी जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो आ जाए। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड करके हमें अंदर की ओर डाल के सिलाई चलानी है क्योंकि हमेशा फ्रंट देखे हों जब सिलेंगे तो फ्रंट हमारे ज़्यादा हो जाता है अकॉर्डिंग हमारे बैक से। दूसरे वाले सिरे को इस तरीके से हम पट्टी एक दूसरे पे हुक पट्टी चढ़ा के मेजर करके इसको सिलते हैं, जितना है जितना भी उस हिसाब से पकड़ ले। तो हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसे उल्टा कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग देंगे, जो भी आपकी फिटिंग की मार्किंग उस हिसाब से दें। तो मेरी यहाँ पर फिटिंग की जो मार्किंग है मैं वो दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर ऊपर का जो हमारा जो क्या कहते हैं चेस्ट है वो हमारा है 9 इंच ऊपर। आप नॉर्थ का 400 क्लोड कर ले तो 36 आएगा उस हिसाब से, जितना आपका उस हिसाब से आप उसे मेज़र करके रखें। और जो हमारा कमर का थोड़ा सा ऊपर पट्टी है वो हम 7.5 रख लेंगे।
और हम जो लास्ट वाला हिस्सा है वो हम 7 इंच अप्रॉक्स रखेंगे। ये हमारा देखिए 7 इंच अप्रॉक्स है पूरा टोटल। तो इसी तरीके से हमें इस साइड भी मार्किंग कर लेनी है, लेकिन हम कमर में जो चेस्ट वाला मार्किंग उसे नहीं किए हैं। चेस्ट वाले मार्किंग के लिए हम इस तरीके से एक ही साइड वाली मार्किंग को लेंगे, क्योंकि हमारा चेस्ट वाला एकदम एक बराबर है, तो उसको इस तरीके से हम ट्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड में हमारी मार्किंग आ चुकी है। अब हम इसे फिटिंग कर लेंगे। ये हमारी फिटिंग की नाप है, आप ध्यान दीजिए किस बात का, हम फाइनल अब स्टिच कर रहे हैं। तो फाइनल स्टिच करने के लिए हम सबसे पहले इसे लॉक कर लेते हैं मशीन से इस तरीके से। लॉक करने के बाद हम स्टेट जिस तरीके से मैंने मार्किंग किया उस तरीके से हम इसे सिलाई चला देंगे। और जो साइड में थोड़ा बहुत कपड़ा बच रहा है उसमें भी हम एक दो सिलाई एक्स्ट्रा दे देंगे, जिससे हमारा ये जब हम ओपन करें फिटिंग, अगर छोटा बड़ा हो तो हम इसे ओपन करके सही खोल कर सही कर सकते हैं। या तो सेम देखिए इसी तरीके से हमें इस साइड भी मार्किंग पे सिलाई करनी है। अब हम इसमें तिरा पट्टी कट कर लिए, ये देखिए इस तरीके से। और इस तरीके से हम डोरी सेट करेंगे। तो ये डोरी आपको मार्केट में कहीं भी इजीली मिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सेट कर लेना। उसके बाद हमें ब्लाउज़ के ऊपर जिस साइड हमारा डॉट है सीधा वाले साइड में हमें इस तरीके से रखना है, जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ इस प्रकार से रखना है। और इसमें पट्टी लगानी है, तो इस तरीके से हम पाइपिंग लगाएंगे तो हमारे ब्लाउज़ की जो पाइपिंग बहुत ही पतली लगेगी और ये देखने में सुंदर लगेगा। और फिर हमें इस पर डबल मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये कि हमें तुरपाई भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, अगर आप इस तरीके से पाइपिंग लगाएंगे तो। तो ये देखिए इस तरीके से हम अब इसमें लगाते हुए चलेंगे। लास्ट में डोरी को कट करके इस तरीके से सिल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें इसे कट कर लेंगे। अगेन हम इस तरह को फोल्ड करेंगे अंदर की ओर इसका कपड़ा जो एक्स्ट्रा है, और हम इस पर फिर सिलाई देंगे। जो बाहर से हमारा थोड़ा सा 1 इंच आधे इंच बढ़ रहा कपड़ा उसे हम छोड़ देंगे, वो जब हम फाइनल स्टिच करें जब हम सिलाई देंगे तब उसको कट करेंगे। तो वो भी पूरा नहीं कट करना होता, तो क्यों नहीं कटना होता, देखिए इस तरीके से हम करते हुए सिलाई एकदम लास्ट तक सिरे तक आ गए, दूसरे सिरे से इस सिरे तक आ गए। ये देखिए इस तरीके से हमें लास्ट में लेकर आना है ये। अब हम धागा कट कर लेंगे। ये देखिए हल्का सा हमें इसमें चटाई देनी है, और ये देखिए इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे उसके बाद इस तरीके से। और ये हमारी जो डोरी वाली हिस्से थी वो हमारी बाहर की ओर दिख रही है। तो अब ये हमारी फाइनल हो गई है। इस पर हम इस एक सीधा सिलाई देंगे, क्योंकि इस अगर हम इस तरीके से पाइपिंग बनाएंगे तो हमें डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हमें तुरपाई उरपाई करने की ज़रूरत नहीं, और पाइपिंग भी काफ़ी सुंदर बनेगा। तो इस तरीके से हमें लास्ट वाले सिरे तक सिल लेना है इसे। ये देखिए लास्ट वाले सिरे में हमें लेकर आऊँगी, और उसको जो हल्का है उसे हल्का चटाइया दे दूँगी, और बस हल्का देना है। उसके बाद इसे भी हम इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की ओर डाल देंगे, और ये हमारा फाइनली तैयार हो चुका है ब्लाउज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, साथ साथ चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा जिससे आपको न्यू अपडेट मिलते रहे। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।